लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की आशा है ये, सृष्टि की शक्ति का वरदान है ये, अवतार नहीं है ये इंसान है। बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान, 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 शक्तिमान। शक्तिमान है, शक्तिमान है तू, मगर सबूत इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है मेरे पास। वैसे पार्क में तो चालाकी से बच निकला था,
कब तक बचेगा तू? एक ना एक दिन तू मेरे जाल में जरूर फंसेगा गंगाधर। और जिस दिन तू फंस गया, उस दिन से तू अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर देना गंगाधर, उल्टी गिनती शुरू कर देना। अपने दो रूपों के कारण तू आज तक पछता आया है, आज तक तू अंधेरे के चंगुल से बचता आया है। और जिस दिन मैंने ये साबित कर दिया कि गंगाधर ही शक्तिमान है, उस दिन से अंधेरे की निगाह तुझ पर रहेगी गंगाधर, तुझ पर रहेगी। और ये मैं करके रहूंगा, बहुत जल्द ये मैं करके रहूंगा। कुमार रंजन उर्फ साहब ये करके दिखाएगा। कौन है वहां? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? सामने आए। कौन है यहां? कौन है? कौन? तुम तो इस शहर के मेयर कुमार रंजन साहब को भी डर लग रहा है। मुझे इस तरह की बदतमीजी, इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये मजाक भी नहीं था कुमार रंजन साहब? फिर क्या था ये? क्या था ये? सिर्फ तुम्हें एक बात का एहसास दिलाना था। कैसा एहसास? डर का एहसास, खौफ का एहसास, तुम्हारी औकात का एहसास। मतलब कहना तुम्हारी औकात का एहसास। कैसी बातें कर रहे हो तुम? जरा सोचो, अंधेरे की एक आहट तुम्हारे भीतर खौफ पैदा कर सकती है। तो अगर वाकई अंधेरे का कहर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा, तब तुम्हारा क्या हाल होगा कुमार रंजन उर्फ साहब? इस धमके की वजह अंधेरे की आदत, अंधेरे का उसूल। ये अंधेरे का उसूल है कि जब अंधेरा अपना काम किसी अपने नुमाइंदे को सौंपता है, तो उस नुमाइंदे को अपने काम को किसी भी कीमत पे करना होता है। जो अंधेरे का काम नहीं करता है, उसके हिस्से में दुख आता है, और जो काम करता है, उसके हिस्से में सुख आता है। ये बातें तुम मुझे पहले भी बता चुके हो, दोबारा बताने की वजह तुम्हारी नाकामयाबी। अंधेरे ने तुम्हें तवज्जो दी, लेकिन तुमने क्या दिया अंधेरे को? आज तक कोई भी काम को अंजाम नहीं दे पाए हो तुम। इसीलिए मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ कि हमारा काम करो, पूरी ताकत के साथ हमारे काम को अंजाम दो, वरना तुम्हारा अंजाम हमारे हाथों में है। शक्तिमान के दूसरे रूप के बारे में बताने वाले थे तुम, क्या हुआ उसका? मैं पता कर रहा हूँ। पता कर रहा हूँ? तुम समझते हो ये लफ्ज काफी अंधेरे के लिए? ये लफ्ज काफी नहीं है, पता है मुझे। लेकिन साथ में मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने शक्तिमान के दूसरे रूप के बारे में अंधेरे को बता दिया, तो वो सिर्फ काफी नहीं होगा, बल्कि काफी से बहुत ज्यादा होगा अंधेरे के लिए। मगर होगा कब? आखिर तुम कब शक्तिमान के दूसरे रूप के बारे में बताओगे? भूलो मत कि तुम मुझसे वही काम ले रहे हो जो आज तक अंधेरे का कोई भी नुमाइंदा कर नहीं पाया, तुम भी नहीं। इतना आसान काम नहीं है ये, मुझ पर यकीन करो। मैं ये काम करूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा, पर इसे मैं करूंगा जरूर। ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हें थोड़ी और मोहलत देता हूं मैं। अब सुनो, अंधेरे का एक और काम करना है तुम्हें। क्या? तुम्हें शक्तिमान की कॉमिक्स को रोकना होगा लोगों तक पहुंचने से, किसी भी कीमत पर। उफ, अब ये काम बहुत मुश्किल होगा, तुम्हें पता है, मैं पहले भी कोशिश कर चुका हूं। तो फिर से कोशिश करो, कुछ भी करो, किसी भी कीमत पे कॉमिक्स लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बस, समझ गए ना? मगर क्यों? क्योंकि शक्तिमान की तरह ही खतरनाक होगी शक्तिमान की ये कॉमिक्स। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, कामयाब होना है। चलता हूँ, अंधेरा कायम रहे। यानी फिर से रुकावट पैदा करनी होगी कॉमिक्स के रास्ते में। ठीक है,
इस बार कानून दीवार बनकर खड़ा होगा कॉमिक्स के सामने। सिर्फ कॉमिक्स ही नहीं, इस बार कॉमिक्स के साथ कॉमिक्स की ऑफिस भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मैडम जी चाय। थैंक यू सर। चाय। थैंक यू। अरे सुंदर इधर आना जी, हमारा कॉफी किधर जी? कॉफी बाद में स्वामी जी, पहले चाय तो निपटा ले। चाय के बाद हमारा कॉफी जरूर लेना जी, विदाउट शुगर। घोष बाबू चाय। ठीक है। ए सुंदर। सुधांशु जी गरम गरम। अरे गर्मा गरम चाय है तो टाइम क्यों लगाता है? ये तो बहुत गर्म है। मजा आ गया। सुबह से मुझे घोष बाबू चाय नहीं मिली, पहली चाय है ये। भाभी जी ने क्या घर पे सुबह में चाय नहीं दिया क्या आपको? अरे घोष बाबू मैंने उससे चाय तो मांगी थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि शक्कर खत्म हो गई है तो चाय कहाँ से दूंगी। चाय पीनी है तो पहले शक्कर लेकर आओ। बड़ी प्रॉब्लम है यार घोष। अब तुम ही बताओ, हम लोगों की हालत तो तुम्हें पता है, किसी से छिपी तो नहीं है ना? अब शाम को मैं बनिए के पास जाऊंगा, देखता हूँ वो मुझे और उधार देने के लिए राजी होता भी है या नहीं। बड़ी प्रॉब्लम है यार घोष। अय्या फिकर नट करो सुधांशु जी, एक बार मेरा कॉमिक मार्केट में आ गया तो रोकना हम सबके जेब में टक टक आना शुरू हो जाएगा जी। क्यों घोष बाबू, हम ठीक बोला ना? एकदम राइट स्वामी जी। सुधांशु जी अब हमारा अच्छा दिन आने वाला है, क्या समझ लो। मैडम रजिस्ट्री। यस। यहाँ पर साइन कीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। कैसी रजिस्ट्री है लीला? सुधांशु जी लगता है ये कोई लीगल नोटिस है, देखिए तो सही। अयो लीगल नोटिस? कैसा नोटिस है जी? देखो देखो खोल के देखो। अयो क्या बात है सुधांशु जी, कॉमिक्स को लीगल नोटिस भेजा गया है। मैंने भी यही कहा था। अरे तुम सब यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो? अयो गीत जी हमारे कॉमिक्स को लीगल नोटिस मिला है जी। क्या किसने दिया लीगल नोटिस? गीता शहर की तीन सामाजिक संस्थाओं ने जनहित याचिका के तहत कोर्ट में अपील की है। कैसी अपील? यही कि सामाजिक हित को देखते हुए सरकार शक्तिमान की कॉमिक्स को लोगों तक पहुंचने से पहले ही बैन कर दे। लो देख लो। एक और प्रॉब्लम। लेकिन अब हम क्या करेंगे गीता? हाँ दीदी, वो लोग कानूनी तौर पर कॉमिक्स पर बैन लगाना चाहते हैं। अरे ऐसे कैसे बैन लगा देंगे, सिर्फ कुछ लोगों के चाहने से गवर्नमेंट शक्तिमान के कॉमिक्स को बैन ही कर देगी। पहले उन्हें ये साबित करना होगा कि शक्तिमान की कहानी से लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। और अगर उन्होंने उल्टे सीधे तरीके से ये साबित कर दिया तो? अरे ऐसे कैसे साबित कर देंगे, कोर्ट हमें भी तो बोलने का मौका देगी ना। आप लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं भी आती हूँ। अय्या सुधांशु जी हमको तो लगता है हमारा बैड लक अभी भी खत्म नहीं हुआ जी। अरे बाबा ये संकट हमारे कॉमिक से कब हटेगा? अरे हट जाएगा घोष बाबू, ये संकट भी हट जाएगा। शायद इसी संकट को हटाने के लिए कुछ करने गई है गीता दीदी। पता नहीं मिस्टर कुमार ये सारी परेशानियां कब खत्म होंगी, एक के बाद एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। गीता जी आप बिल्कुल मत घबराइए, एडवोकेट भिजलानी अभी आते होंगे, बहुत ही काबिल वकील हैं वो, इस केस को वो आसानी से हैंडल कर लेंगे। और उसके बाद? आपका मतलब? मिस्टर कुमार अगर हम ये केस जीत भी जाते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि कॉमिक्स के लिए और कोई नई रुकावट नहीं खड़ी होगी? गीता जी आप मेरा यकीन कीजिए, इसके बाद कोई भी रुकावट खड़ी नहीं होगी। अच्छा मिस्टर कुमार आपको नहीं लगता कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये साहब की कोई नई चाल है?
मगर गीता जी कॉमिक्स के ऊपर तो सामाजिक संस्थाओं ने केस फाइल किया। यही तो दुख की बात है कि हमारे देश की सामाजिक संस्थाओं में भी साहब जैसे इतने बड़े क्रिमिनल की घुसपैठ हो चुकी है, और सिर्फ घुसपैठ ही नहीं बल्कि वो इन सारी सामाजिक संस्थाओं को अपने इशारों पर नचा भी रहा है, और उसे कानून का सहारा भी मिल रहा है अपने मकसद को पूरा करने में। देखिए गीता जी, इस समय आप टेंशन में हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, मगर मुझे नहीं लगता कि इसमें साहब की कोई चाल है। नहीं मिस्टर कुमार, 100% इसके पीछे साहब की ही चाल है, वरना एक सामाजिक संस्था सरकार से ये अपील क्यों करेगी कि शक्तिमान के कॉमिक्स को बैन किया जाए, ये कहकर कि शक्तिमान के कॉमिक्स से समाज को नुकसान पहुंच सकता है। अरे मैं पूछती हूँ, शक्तिमान की कॉमिक्स से समाज को नुकसान कैसे हो सकता है? वो शक्तिमान जो समाज की सेवा के लिए इस दुनिया में आया है, जो हमेशा लोगों की भलाई करता आ रहा है, उसके जीवन पे आधारित कहानी से लोगों को नुकसान कैसे पहुंच सकता है मिस्टर कुमार? नहीं मिस्टर कुमार, आप चाहे जो भी कहिए, मुझे पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे साहब का ही हाथ है। लेकिन आप देख लेना, इस बार भी उसकी हार होगी, साहब अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। जी हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि साहब शक्तिमान के कॉमिक्स को बंद कर देना चाहता है, वो तो उसका दुश्मन है, यही चाहेगा वो। दुख तो इस बात का है कि सामाजिक संस्थाएं जो लोगों की सेवा के लिए बनी है, वही साहब का साथ देकर कॉमिक्स को बंद कर देना चाहती है। कितनी कितनी असामाजिक बन चुकी है सामाजिक संस्थाएं। सर वकील साहब आए हैं, उन्हें अंदर भेज दो। ठीक है सर। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार मिस्टर पिजलानी, प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। मिस्टर पिजलानी इनसे मिलिए, ये है मिस गीता विश्वास। नमस्ते। अरे भाई इन्हें कौन नहीं जानता है। गीता जी ये है एडवोकेट बिजलानी, मेरे ख्याल से इनके अलावा हमारे देश में दूसरा इतना बड़ा कोई वकील है ही नहीं। अरे आप तो खामखा बड़ाई कर रहे हैं, वैसे मुझे क्यों बुलाया यहां पर? मिस्टर बिजलानी आप इसे पढ़ लीजिए। क्या है? तो ये मामला है? जी हाँ, और अब ये मामला आपका मामला है। मिस्टर बिजलानी मैं ये चाहता हूं कि इनकी तरफ से ये केस आप हैंडल करें। हुकुम सर, आपका हुकुम और हम ना कर दे क्या ऐसा हो सकता है? मैं जानता हूं ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। मिस्टर बिजलानी एक बात और, आप फीस की चिंता बिल्कुल ना करें, उसे मैं देख लूंगा। मिस्टर कुमार फीस आप? गीता जी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मिस्टर बिजलानी के हाथों में केस जाने का मतलब होता है कि जीत, पक्की जीत। क्यों मिस्टर बिजलानी? आप बिल्कुल चिंता ना करें मेयर साहब, ये बहुत छोटा सा केस है, शक्तिमान की कॉमिक्स बंद नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसके बावजूद तुम हारोगे एडवोकेट, ये केस तुम्हारे जीवन की पहली हार बनेगा। जज साहब, शक्तिमान कॉमिक्स का समाज के साथ वही रिश्ता है जो रिश्ता दीमक का लकड़ी के साथ होता है। जिस तरह से दीमक धीरे धीरे करके लकड़ी को खोखला कर देती है, उसी तरह से अगर ये शक्तिमान कॉमिक्स समाज में पहुंच गई तो ये धीरे धीरे पूरे समाज को खोखला कर देगी, ये पूरे समाज में जहर बनकर फैल जाएगी। योर ऑनर। और जज साहब, ये किसी एक इंसान का नहीं, एक संस्था का नहीं, बल्कि शहर की तीन तीन सामाजिक संस्थाओं का मानना है, और इन तीनों सामाजिक संस्थाओं ने शहर के हितों को ध्यान में रखते हुए अदालत से दरख्वास्त की है कि शक्तिमान कॉमिक्स नाम के इस जहर को समाज में फैलने से रोका जाए,
इसे अवैध घोषित कर दिया जाए और इस पर बैन लगाया जाए। शक्तिमान।